जो लोग बनाते हैं ये कौन सा नशा करते हैं? मुझे आज तक ये मैं वो ढूंढ रहा हूं कि वो नशा कौन कैसा करते हैं और कौन करवाता है। अफगानिस्तान की रैंकिंग 152 जहां पे तालिबान बैठा है। इंडिया की एजुकेशन हो या इंडिया को, वो कहते हैं ना भाग लग गए, भाग लग गए तो आज इंडिया की हर चीज सोने की हो गई, उनका कोयला भी सोने का हो गया। मगर कुछ बरस पहले की ही बात है, इन्हीं गांव के देहात के इलाके थे जिनके आज आप कह रहे हैं कि हर जगह स्कूल मिल जाएगा, वहां पे शौचालय के नारे लगाए जाते थे, शौचालय तक मुहैया नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में शौचालय से स्कूल तक का सफर भी तय हो गया? सर्टिफिकेट्स, आप अपनी प्रेस को देखिए जरा पहले, आपकी प्रेस किस लेवल पे करप्ट है और आपकी प्रेस किस लेवल पे गेम खेलती है, किस लेवल पे आपकी प्रेस गवर्नमेंट के इशारों पे नाचती है। मैं अगर आप आपको अटैक किया क्योंकि आपके कंट्री में अटैक हो गया, एविडेंस आपके हाथ में था नहीं था वी डोंट नो, लेकिन थ्रेट परसेप्शन आप दूसरे कंट्री को एनेक्स कर सकते हैं। क्या रशिया के पास वो राइट नहीं है? क्या आप थ्रेट परसेप्शन पे वो किसी भी अटैक कर ले? रशिया आपने डिमोनाइज कर रखा है। तो ये अमेरिकन्स ने खुद खुद सिलेक्ट किया है एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदे को एज अ सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो कि हिस्ट्री में शायद पहली दफा होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? अभी तो आप अमेरिकन्स को वो कर रहे थे कि अमेरिकन्स ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो अच्छा नहीं करते, लेकिन ये डिसीजन भी तो अमेरिकन्स का है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीडम है, कितनी फ्रीडम है आपके कंट्री में हमें अच्छी तरह से पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जर्नलिस्ट को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है सब पता है। और इंडिया में फ्रीडम नहीं है क्या? आरफा खान हम यही नहीं बैठे क्या? ये क्या राणा अयूब यही नहीं बैठे? कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो तो अमेरिका की तरफ से जो है ये आया है और वो झूठ हो सकता है। अटैक की बात हो तो पाकिस्तान ने करवाया है। करप्शन की बात हो हर मुल्क में होती है, हर चीज में। अब इंडियंस ठीक है, एक पॉजिटिव साइड हो गई, बहुत पॉजिटिव, चलो 80% भी पॉजिटिव हो गया, 20% भी इंडियंस एडमिट करने को तैयार नहीं है कि वहां गलत कुछ हो सकता है, हो रहा है। श्रीलंका की, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ श्रीलंका में प्री प्रेस हो सकती है। इंडिया की रैंकिंग 160, अफगानिस्तान से भी खराब है इंडिया की पोजीशन, जहां तालिबान ने सीधे गोली मार देता है, कोई कोर्ट वोट नहीं चलती। ये जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है ये बनाता कौन? ये यूरोपियंस बनाते हैं और अमेरिकन बनाते हैं, व्हाइट मैन सुप्रीमेसी। और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे ज्यादा फ्री हैं, चाहे जूलियन असेंज को इन्हीं कंट्री में कितना बुरी तरह से टॉर्चर किया गया कि इनके इनको रहने, जूलियन असांज आज तक धक्के खा रहा है बेचारा। उसने क्या किया था? उसने तो कुछ नहीं किया था, उसने तो सिर्फ अमेरिकन केबल्स बताए थे, ठीक है। वो बीबीसी जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, उस पर केस भी हो गया हमारे दिल्ली हाईकोर्ट में, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है नरेंद्र मोदी पे। मैंने तो आज तक जलियांवाला बाग पे कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, मैंने आज तक नहीं देखा। गल्फ वॉर पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी भाई साहब, जो बीबीसी ने बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री सही थी, डॉक्यूमेंट्री सही थी। उसमें बोला गया था कि ये फैब्रिकेटेड एविडेंस पे गल्फ वॉर हुई है। उसके बाद हुआ क्या? हटन्स कमीशन आया, डॉक्टर केली की डेथ हुई उस केस में, हटन्स कमीशन आया, हटन्स कमीशन ने उस बीबीसी को पनिशमेंट करके चार में तोड़ दिया, उस पर कोई माफी नहीं आई कि बीबीसी की रिपोर्ट सही थी। ये जो सिचुएशन है पूरी की पूरी, ये सिचुएशन क्या है? ये लोग अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीडम है। कितनी फ्रीडम है आपके कंट्री में हमें अच्छी तरह से पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जर्नलिस्ट को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है सब पता है। और इंडिया में फ्रीडम नहीं है क्या? आरफा खान हम यही नहीं बैठे क्या? ये क्या राणा अयूब यही नहीं बैठे क्या? दूसरे लोग रवीश कुमार यही नहीं बैठे, इसी कंट्री में बैठे ना आप, अजीत अंजुम को देख सकते हैं, सब के अपने अपने चैनल्स में जब बैठे थे तो भी वो मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, आज यूट्यूब बना रखा है तो भी मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, वायरल बोल रहा है, क्विंट बोल रहा है। या क्या आप फॉरम फ्रीडम इंडेक्स की इस रिपोर्ट से डिनाई कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है ये न्यूज़? नहीं, इट इज नॉट अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। मैं ये बात तो नहीं बोल रहा कि वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये कौन सा नशा करने के बाद ये बनाते हैं ये लोग। मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सा सुल्फा लगाते हैं, सफेद रंग का है काले रंग का है, वो लिक्विड है या क्या है, कौन सा नशा है? ये लोग ये क्यों दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा काबिल हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज थर्ड वर्ल्ड? इन लोगों को ये दिखाना, जापान की प्रेस बहुत फ्री है इनके लिए, है ना, इनके लिए अमेरिका की प्रेस बहुत फ्री है, चाइना नीचे होगा नो डाउट अबाउट इट, है ना, चाइना तो होना भी चाहिए डिक्टेटरशिप है,
इंडिया कौन सी डिक्टेटरशिप है भाई? आप जो इंडिया की प्रेस को फ्रीडम, कोई आपके पास कहीं पे कोई एविडेंस होगा क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस कंट्री में कंडेम नहीं किया जाता? तो फ्री कैसे नहीं है हमारी प्रेस, कोई बताएगा ये बात? ये वर्ल्ड फ्रीडम, अच्छा फ्री इनकी, इनकी प्रेस कितनी फ्री है पता है? इनकी प्रेस कभी कितनी बुराई करती है? इनकी प्रेस बताती है कि इनके इनके कंट्री में हो क्या रहा है? इनकी प्रेस बताती है कितनी यूरोपियन, रुवांडा में जेनोसाइड हुआ इनकी प्रेस ने क्या छापा था मुझे पता है। इनकी प्रेस ने क्वेश्चंस पूछे थे क्या यूएन से कि ये जेनोसाइड हो रहा है? नहीं, वो रुवांडा जेनोसाइड वॉज 100 times faster than हिटलर जेनोसाइड, किसी ने आज तक बोला नहीं। और कितनी आवाजें उठी उस पर, कोई आवाज नहीं उठी। इनकी इनकी अपने न्यूयॉर्क में बैठे हुए वो जर्नलिस्ट जो कि शायद अमेरिका के की जो रूलिंग एलिट है उसमें कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करते रहते हैं, वो तो क्वेश्चंस पूछते नहीं ना। इनके इनके जो गवर्नमेंट है वो कहीं पे भी, इराक वॉर हुई तो इराक वॉर पे कितने कंट्रीज है कि कितनी इनकी प्रेस ने उसके खिलाफ बोला, मुझे तो नहीं दिखा बहुत ज्यादा ना। अगर अगर बहुत ज्यादा माहौल बनाया होता इनकी प्रेस ने तो इराक वॉर होती ही नहीं, और प्योर फेक एविडेंस पे इराक वॉर हुई थी। ये हमें बताएंगे कि प्रेस फ्रीडम क्या होती है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब पहले ही बोल चुके हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम होती है, ऐसा यूरोप मानता है, और ये भी मानता है कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होती। हम इस एजम्पशन से बाहर काम करते हैं, हम इस एजम्पशन को सपोर्ट नहीं करते। ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, यही लोग यूरोपाइट्स यानी कि यूरोपियन और अमेरिकन बनाते हैं। हमें दोनों एक बार, हम बताते हैं आपकी प्रेस कितनी फ्री है, हम बताते हैं ना, वी हैव इनफ ऑफ एविडेंस फॉर दैट। यूक्रेन वॉर की रियालिटी कोई बताना चाहेगा? जानना चाहते हैं हम यूक्रेन वॉर की रियालिटी? रशिया के पास भी एक एक वो है, आप थ्रेट परसेप्शन पे किसी भी कंट्री पे अटैक कर सकते हैं। आपने इराक पे अटैक किया थ्रेट परसेप्शन पे, आपने अफगानिस्तान पे अटैक किया क्योंकि आपके कंट्री में अटैक हो गया, एविडेंस आपके हाथ में था नहीं था वी डोंट नो, लेकिन थ्रेट परसेप्शन आप दूसरे कंट्री को एनेक्स कर सकते हैं। क्या रशिया के पास वो राइट नहीं है? क्या आप थ्रेट परसेप्शन पे वो किसी भी अटैक कर ले? रशिया आपने डिमोनाइज कर रखा है। तो ये जो सुप्रीमेसी है इन सबकी, मैं इस सुप्रीमेसी को मानता ही नहीं हूं। ये जो बोलते हैं इनके इंडेक्सेस जो आते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं, सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो। अभी मैं देख रहा था कनाडा में आदमी आदमी खाना नहीं खरीद पा रहा। कनाडा में हालत ये है, कनाडा की कैनेडियंस जो इंडियंस कनाडा गए थे वो वापस आना चाह रहे हैं, और कुछ वापस आ गए हैं क्योंकि कनाडा में इतनी बुरी हालत हो गई है। जो जो एक कमरा पहले $300 का मिल रहा था, आज $500 का मिल रहा है। वहां पे ग्रोसरी इतनी महंगी हो गई है, खाना खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया है कि लोगों के लिए चलाना मुश्किल हो रहा है। खाना मकान खरीदना तो बहुत बहुत दूर की बात। और ये सिचुएशन अकेले कनाडा में नहीं है, ज्यादातर यूरोप में। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई आप हमें दे रहे हो, आप हमें सर्टिफिकेट बांटते हो, ये यू डू नॉट हैव द राइट टू गिव दीज सर्टिफिकेट्स। आप अपनी प्रेस को देखिए जरा पहले, आपकी प्रेस किस लेवल पे करप्ट है और आपकी प्रेस किस लेवल पे गेम खेलती है, किस लेवल पे आपकी प्रेस गवर्नमेंट के इशारों पे नाचती है। मैं आपको 20 examples बता सकता हूं इनकी, आपकी मीन्स इन वाइट्स की प्रेस यानी कि यूरोपियन प्रेस और अमेरिकन प्रेस, ये सारे के सारे इस समय यूक्रेन वॉर पे कोई बता रहा है? कोई अमेरिकन प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स या ये सारे के सारे बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, किसमें किस तरीके से रशिया के खिलाफ नेटो काम कर रहा था? नहीं बता रहे। फैक्ट रिमेन्स कि रशिया का भी एक वर्जन है, जो वर्जन बताया जाना चाहिए। ये पूरी की पूरी प्रेस, यही यूरोपियन प्रेस चीख रही थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर से। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया तेल खरीद रहा है यूरोप से, सॉरी रशिया से, तो इंडिया रशिया को फंडिंग कर, रशिया की वॉर जो है उसको फंडिंग कर रहा है। इसी यूरोपियन प्रेस ने पूछा, हमारे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा, आज इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम टू यूरोप, आप कौन फंडिंग कर रहे हैं भाई? रशिया से तेल अब कौन खरीद रहा है? इंडिया के पास अपने पास तो इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं है, रशिया से ही खरीदता है, उसे रिफाइन करके यूरोप को भेज रहा है। ये 3 महीने पहले स्टैंडर्ड्स अलग थे, आप अलग हो गए इनके। यूरोप सबसे ज्यादा, इससे पहले सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा तेल बेचता था यूरोप को रिफाइंड, और आज इंडिया बेच रहा है, इंडिया भी तो रशिया से लेके बेच रहा है। तो सच तो यही है ना, इनकी इनका जापान खरीद रहा है रशिया से,
हमारे ऊपर उंगली उठाने सबसे पहले आ जाते हैं, लेकिन इनके अपने अंदर क्या हो रहा है? क्या रशियन गैस जो यूरोप खरीद रहा है उससे फंडिंग नहीं हो रही? क्या यूरोप के न्यूज़पेपर्स और यूरोप के न्यूज चैनल्स, क्या उन्होंने उस तरीके से इसको बोला है? क्या डॉक्यूमेंट्रीज बनी है कि यस वी आर किलिंग पीपल इन यूक्रेन? नो दे आर नॉट डन इट। और यूक्रेन में हो क्या रहा है? एक तरफ से रशियन गैस खरीद रहे हैं, रशिया को डॉलर्स दे रहे हैं, ठीक है, स्विफ्ट से निकालने के बाद इंडिया से तेल खरीद रहे हैं, डॉलर्स रशिया को जा रहे हैं, और यूक्रेन को हथियार यही लोग दे रहे हैं, यही लोग दे रहे हैं यूक्रेन को हथियार, दोनों तरफ से यही लोग कर रहे हैं और बीच में लोगों को मरवा रहे हैं। क्या इस पे डॉक्यूमेंट्री बनी है कभी? क्या बीबीसी ने कभी बोला है? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने कभी तो बोला है फिर कि दूसरी हम ही यूरोपियंस डिप्लोमेसी, को मरवा रहे हैं? ये बिल्कुल वैसा ही सीन है जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत सी चीजें मंगवाता है मगर डायरेक्ट नहीं तो डायरेक्ट हो जाती हैं। ऐसा ही सिनेरियो, खैर ये डिप्लोमेटिक चीजें ये तो हमेशा से हमारे पॉलिटिक्स का पार्ट रही है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, उसकी स्टेटमेंट से आपने डिनाई किया कि रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर फ्रीडम है, वो लोग अपने मुताबिक इंडेक्स बनाते हैं। इसमें आपने जिक्र किया अमेरिकन्स का, तो सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि अमेरिकन्स की आपने बात की, तो हमेशा से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अमेरिकन्स हुकूमत करते आए हैं वर्ल्ड बैंक के ऊपर, बट नाउ इफ वी सी तो करंटली वर बेसिक अपडेट थी कि अजय बंगा वो आने वाले दिनों में 2 जून को CEO बनने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के। इससे पहले हमारे पास सुंदर पिचाई गूगल के CEO वहां से आए, और भी बहुत सारे शनैल ब्रांड की CEO इंडिया से आई, न जाने कितने ऐसे बड़े ओहदे हैं जिन पे इंडियंस एज अ CEO फाइज है। और अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट्स की, मिनिस्टर लेवल के लोगों की, तो उसमें भी इंडियंस पीछे नहीं रहे, मगर अमेरिकन्स ने खुद खुद सिलेक्ट किया है एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदे को एज अ CEO ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो कि हिस्ट्री में शायद पहली दफा होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? अभी तो आप अमेरिकन्स को वो कर रहे थे कि अमेरिकन्स ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो अच्छा नहीं करते, लेकिन ये डिसीजन भी तो अमेरिकन्स का है। देखिए, अजय बग्गा यहाँ से बड़े ही हाईली क्वालिफाइड आदमी हैं। इससे पहले उन्होंने वहां पे बड़ी सारी पोस्ट संभाली हैं और वो अपनी काबिलियत पे वहां पहुंचे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो सुंदर पिचाई भी अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं, सत्या नडेला अपनी काबिलियत से पहुंचे हैं, ट्विटर के चीफ अब नहीं रहे, वो भी काबिलियत से पहुंचे थे, इस यूट्यूब के चीफ भी इंडियन। ये इंडियन सारे के है सारा हमारा डायस्पोरा जो है वो यहाँ से पढ़ के गया था और वहां पे काम कर रहा था। 3 यूरोपियन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स इंडियन ओरिजिन के हैं, एक ब्रिटेन के ऋषि सोनक, एक आयरलैंड के लियो वराडकर और एक पोर्चुगल के, ठीक है, ये 3 कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडियन ओरिजिनेटेड साथ में और भी कई कंट्रीज की अगर बात करें तो डायरेक्टली इंडियन डिसेंडेंट्स हैं और वो वही नाम लेते हैं, मॉरिशस की बात करें या सूरीनाम की बात करें, वो इंडियंस हैं, डायरेक्ट इंडियंस हैं और वो उनकी उनकी इंडियन एंसेस्ट्री पे दे आर प्राउड ऑफ इट। यहाँ तक के हम लोग अगर बात करें तो इंडियंस कई जगह फैले हैं, कई जगह हैं, और इंडियंस हमेशा से एक चीज पे फोकस करते रहे हैं कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन लें तो हम लोग कहीं पे अचीवमेंट ले पाएंगे, और ये उसी क्वालिटी अचीवमेंट का कमाल है जो कि हम लोगों ने पिछले 50 साल में जनरेट की है, उसी क्वालिटी अचीवमेंट का कमाल है जो कि हमारे हमारे जो लोग हैं वो आज उस लेवल पे पहुंचे हैं। हम लोगों ने IITs में डाला है इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा, हमने IIMs में डाला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस में डाला है, हम लोगों ने साथ में ये स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अब हम लोग एविएशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी पे अभी हम लोगों का सबसे बड़ा फोकस आ रहा है सेमीकंडक्टर्स पे, तो हम लोग उस पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारी IITs, हमारी हमारी जो ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इमेजिन कीजिए कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, दिल्ली एंड NCR, NCR मीन्स नेशनल कैपिटल रीजन, तो दिल्ली के आसपास के जितने जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो भी उसमें आ जाते हैं। जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिल्ली और NCR में हैं उतने पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हमारे हमारे जितने स्टार्टअप्स सिर्फ कश्मीर में, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में हैं, उतने पूरे पाकिस्तान में नहीं। तो अगर आप डेवलपमेंट की ओर देखेंगे तो यू विल डेवलप, और अगर आप सिर्फ मदरसे बनाएंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम आएगी, यू गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं पाकिस्तान के साथ भी और दूसरे कंट्रीज के साथ, कुछ दूसरे कंट्रीज के साथ,
क्योंकि हम लोगों ने अपनी मैन पावर पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया, हम लोगों ने मैन पावर को पढ़ाया और हमारे यहाँ इस पे फोकस किया गया कि हर 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 स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस हों, हर स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों। साथ में हम लोगों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका सपना था कि हम 21st सेंचुरी में आए, और हम आए हैं 21st सेंचुरी में, और 21st सेंचुरी में वी केम विद अ बैंग। वी केम विद अ बैंग मीन्स हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक अच्छे लेवल पे हैं, और हम लोगों का सॉफ्टवेयर इस समय इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ना, हम गेहूं, पहले किसी जमाने में हम सोचते थे गेहूं और चावल एक्सपोर्ट है, और गन्ना हमारा एक्सपोर्ट है, शुगर, आज इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर है, और इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो ये चीज जो हुई, ये हुई किसकी वजह से, वो जो सपना राजीव गांधी ने देखा था, राहुल गांधी के फादर ने, वो कंप्यूटर्स लाए थे, वो तो 21st सेंचुरी नहीं देख पाए, 1991 में उनको असैसिनेट कर दिया गया, लेकिन वो हम देख रहे हैं आज। और ये दिस थिंग वॉज कंटिन्यूड बाय अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उस चीज को आज हम देख रहे हैं कि इंडिया एक सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर के सामने की तरफ सामने आ गया है। इस सारी चीज को जो है पूरी दुनिया सराह भी रही है, अप्रिशिएट भी कर रही है, और शायद यही वजह है कि लोग इंडिया को गिराएं, ऊपर उठाएं, दुश्मनी निभाएं, नहीं निभाएं, दोस्ती करें नहीं करें, मगर अपने मफाद के लिए उनको इंडिया का टैलेंट उठाना पड़ता ही पड़ता है। जैसे अभी अमेरिकन को आप देख लें, अमेरिका भी इस चीज को अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो गया है कि इंडिया के अंदर से टैलेंट निकल रहा है और हमें उस टैलेंट की कदर करनी है। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात कही कि पाकिस्तान जो है मदरसे बनाने पे फोकस कर रहा है, तो मेरी ऑडियंस भी अक्सर इस तरह के मुझे कमेंट्स करती है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान के जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं डेवलपमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो शायद लोगों को ये लगता है या बाहर फॉरेन कंट्रीज को ये लगता है कि पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट मदरसों पर कर रहा है कंपेरेटिवली बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि कहीं भी नहीं कर रहा, ना सिर्फ इंस्टीट्यूट्स पे बल्कि मदरसों पे भी नहीं हो रहा। मदरसे भी यहाँ वही चल रहे हैं जो बरसों से चलते आ रहे हैं, या अगर कोई छोटे मोटे बनते भी हैं तो वो लोग बनाते हैं जो सवाब के लिए बना देते हैं, या फिर सदके के नाम पे पैसे निकाल रहे होते हैं, या किसी भी पर्पस के लिए जो लोग पैसे निकालते हैं अल्लाह के नाम पे, वो उनके मदरसे मस्जिदों में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत हमारी जो है स्पेसिफिकली अमाउंट निकाल के और उसके मदरसे तामीर करा के लोगों को फैसिलिटेट करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस चीज को देखते हुए कहाँ क्या सजेशन होगा आपका पाकिस्तान के लिए फॉर I'll tell you, फ्यूचर? I'll tell you. देखो, गवर्नमेंट तो किसी भी कंट्री की मदरसे नहीं बनाती, मैं मानता हूं। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट ने गांव गांव में, इंडिया के बहुत कम ऐसे गांव बचे होंगे जिसमें स्कूल ना हो, प्राइमरी स्कूल, KG to 5th प्राइमरी स्कूल में ही बच्चा चला जाएगा, गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूट करेगी और जितने भी बच्चे हैं उनको मिड डे मील्स उसमें दी जाएगी, मतलब बच्चा जो आ रहा है उसको खाना वहीं मिलेगा, स्कूल में ही मिलेगा, राइट। उसके लिए फंड है और हम लोग उसको वो पैसा निकालते हैं, वो पैसा दिया जाता है, वो गांव गांव तक पहुंचता है, राइट। साथ में जिसने इसके बाद भी एजुकेशन की आपको हमने दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया, उसके बाद भी किसी ने अपने बच्चे को मदरसे में या गुरुकुल में भेजना है तो भेज दो, जैसे इस्लाम में मदरसा है वैसे ही हिंदुइज्म में गुरुकुल है, तो आपको उसके बाद ही भेजना है आप भेज दीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी दे दी। तो ज्यादातर यहाँ पर इंडिया में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते हैं, गांव में, शहरों में तो क्या फैसिलिटीज हैं, रोड सब कुछ है, फिर शहरों में, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, और वो भी गांव एक रिमोट गांव में भी होगा ये। अब आप किसी रिलेज से बाहर निकल रहे हैं, बच्चा आपका 5th से ऊपर जा रहा है, 5th, 6th to 8th, तो ये भी दो तीन गांव में छोड़ के एक स्कूल निकल आएगा, या हो सकता है कि हर गांव में भी एक निकल आए, ठीक है, वहां पे बच्चे चले जाते हैं। अब 9th, 10th, 11th, 12th, इसके लिए आपको तीन चार गांव में से एक में जरूर स्कूल मिलेगा, तीन गांव में नहीं या दो गांव में, बच्चे को, बच्चा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाएगा उससे उतने में स्कूल मिल जाना चाहिए। जब ये फैसिलिटीज बनेंगी तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को मदरसे भेजेंगे ही नहीं। NWFP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं बनी है पिछले 30 साल में, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लैग कर रहा है। गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट
इसको इग्नोर भी कर रही थी क्योंकि अफगानिस्तान में देवर फाइटिंग और यहां से बहुत सारे लड़ाके जा रहे थे। अब इस चीज पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है और वो अब भी नहीं किया गया है मेरे हिसाब से, ऐसा है क्योंकि मैं उस एरिया में गया नहीं हूं इसलिए। लेकिन मुझे इतना भी पता है, अखबारों आप ही के अखबार पढ़ता हूँ पाकिस्तान के, तो वहां पे जो पोलियो की दवाई देने आते हैं जो डॉक्टर्स, उनको भी गोली मार दी जाती है। तो वहां पे बच्चों को एजुकेशन देने जो टीचर्स जा रहे होंगे उनकी क्या हालत रही होगी। इंडिया में जो एरिया है नक्सल एरिया जिसमें नक्सलाइज बहुत एक्टिव है, दंतेवाड़ा हुआ या गढ़चिरौली हुआ या कोई और, गढ़चिरौली तो फिर भी बहुत बेटर लोकेशन है, बस्तर हुआ, दंतेवाड़ा हुआ, वहां पर भी एजुकेशन सिस्टम अपना काम कर रहा है और बहुत बखूबी कर रहा है। अब नक्सलाइट्स हमारे बहुत सिमट गए हैं, बहुत कम एरिया में रह गए हैं और मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे वैनिश, बड़ी जल्दी खत्म हो जाए सर, इनको। मुझे मुझे बात बता आपकी बात काट रही हूँ। आज जिस इंडिया की एजुकेशन की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, ना सिर्फ आप बल्कि हर हिंदुस्तानी आज इंडिया की एजुकेशन हो या इंडिया को, वो कहते हैं ना भाग लग गए, भाग लग गए, तो आज इंडिया की हर चीज सोने की हो गई, उनका कोयला भी सोने का हो गया। मगर कुछ बरस पहले की ही बात है, इन्हीं गांव के देहात के इलाके थे जिनके आज आप कह रहे हैं कि हर जगह स्कूल मिल जाएगा, वहां पे शौचालय के नारे लगाए जाते थे, शौचालय तक मुहैया नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में शौचालय से स्कूल तक का सफर भी तय हो गया? मैडम ऐसा है, ये हर चीज सोने की अपने आप नहीं हुई है, ये हमने मेहनत की है, ये हमारी मेहनत थी जो हमने अपने आप बनाया। यस टॉयलेट्स नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको स्पेसिफिकली काम करवाया इस पे, क्यों नहीं थे इसके रीजंस हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये थी कि टॉयलेट्स ट्रेडिशनली सब खेतों में जाते थे, तो इंडिया की लोगों की प्रायोरिटी ये रही कि खेतों में जाने दो लेकिन हर बच्चे को पढ़ाना है। हमने स्कूल पहले बना दिया और बाद में टॉयलेट्स बने, नो डाउट अबाउट इट। ड्रिंकिंग वाटर हम लोगों का पीछे पीछे आता रहा लेकिन स्कूल्स हर गांव में से पहले बने, ये इंदिरा गांधी के टाइम से काम हो रहा था हर स्कूल, हर गांव में स्कूल बनाने का, जिस पर अब जाके काम शुरू हुआ है। एंड इफ यू लुक एट इट, दिल्ली का, मैं किसी एक पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर, आप जाकर के गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए, भूल जाएंगे आप किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल को। न्यूयॉर्क के स्कूल्स भी उसके उसके पैरिटी पे नहीं है। स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, स्विमिंग पूल, और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल बना हुआ है। लुक एट इट, आप प्रेस देख लो बच्चों की, क्या प्रेस मिलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेट पे सर्च मारो मिलेगी आपको, और ये गवर्नमेंट का एड मत देखना, नॉर्मल लोगों ने जो फोटो डाली वो देख लेना आप। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्विमिंग पूल्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लाइब्रेरीज बनाई जा रही हैं। सो देयर नॉट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर गांव में ये फैसिलिटी है, लेकिन दिल्ली में आइए, हम लोगों की प्रायोरिटी ही एजुकेशन थी पहले दिन से और उसी की वजह से आज हम उस लेवल पे आए हैं कि बग्गा जी और सत्य नरेला ये सारे के सारे लोग हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए। तो ये भी सोचना, हमारे पास इस समय जो आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, 50% के आसपास गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हैं। ये हमारी उस डेमोक्रेसी की कमाल है जिसमें हम लोगों ने अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया, और छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, दिल्ली मुंबई कलकत्ता से आ रहे हैं, नो 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 नो, दे कमिंग फ्रॉम स्मॉल स्मॉल सिटीज और वो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम पास कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि दे हैव बीन डूइंग वर्क हार्ड एंड हम लोगों ने ये सारा का सारा अपने आप नहीं बना है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। इनसेसेंटली गवर्नमेंट काम कर रही थी, पिछले 30 साल से गवर्नमेंट लगी थी, करप्शन हुआ होगा, नो डाउट अबाउट इट, मैं उसको डिनाई नहीं करता, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन करप्शन अगर हुआ है तो 100 रुपए आए हैं तो 90 लगे हैं, 10 ही खाए गए होंगे। लगाया गया है काम, काम हुआ है, और उस काम के साथ साथ जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अब दिख रहा है, ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लुक एट द रोड्स जो रोड्स बनी है इंडिया में, जो काम नितिन गडकरी ने किया, रिमार्केबल। मैं आपको बताता हूं, अब रोहित मैं जी, रोहित जी, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में आ रही है। अभी मैंने बात की हम लोगों ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो तो अमेरिका की तरफ से जो है ये आया है और वो झूठ हो सकता है।
अटैक की बात हो तो पाकिस्तान ने करवाया है, करप्शन की बात हो हर मुल्क में होती है, हर चीज में। अब इंडियंस ठीक है, एक पॉजिटिव साइड हो गई, बहुत पॉजिटिव, चलो 80% भी पॉजिटिव हो गया, 20% भी इंडियंस एडमिट करने को तैयार नहीं है कि वहां गलत कुछ हो सकता है, हो रहा है या हुआ होगा या होगा। वो पिछला सारा भी उनका जो है वो बहुत पॉजिटिव हर बंदे के माइंड में, और ऐसा नहीं है कि आपके या किसी और के। मुझे बताएं ये लोगों की सोच ऐसी है या इसको आप फ्रीडम कह रहे हैं या ये फ्रीडम जबरदस्ती लोगों के दिमागों में डाला जा रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फैक्ट इज कि मैंने तो ये डिनाई किया ही नहीं कि करप्शन नहीं है। करप्शन हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, नो डाउट अबाउट इट। विदाउट करप्शन कोई कंट्री नहीं चलता है, हमारे कंट्री में भी है। ठीक है, मैंने अगर अभी बोला कि हाँ, करप्शन की स्टेटमेंट पे रिप्लाई आता है, ये तो हर कंट्री में होती है, सेम यस, स्टेटमेंट। मैं मान हाँ रहा हूं, मैं उसको लेजिटिमाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं। देखो, करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, इससे पहले से चल रहा था। मोदी गवर्नमेंट ने उसको 10 टाइम स्पीड अप कर दिया। हम लोग मनरेगा चलाते हैं, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसके पास रोजगार नहीं है वो जाकर के गवर्नमेंट से रोजगार ले सकता है, और डीडी के 250 रुपए की, कुछ कुछ स्टेट्स में 190 रुपए, कुछ में 250 है, कुछ में 270 है, डीडी का पैसा आता है। पहले होता क्या था, वो गांव के चीफ के पास पहुंच जाता था, गांव का चीफ वो देता था लोगों को। अब वो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, 50 लिखता था, बाकी का पैसा खा जाता था। इसको खत्म करने के लिए सबके जनधन अकाउंट्स बना दिए गए, सब आदमियों के अकाउंट बना दिए, गरीब से गरीब मजदूर का, रिक्शा चलाने वाले का भी अकाउंट बना दिया। हम लोगों ने उतने अकाउंट्स पर मंथ खोले थे जितनी जापान की पॉपुलेशन है, और खोल करके हम लोगों ने सबके सीधे अकाउंट में ट्रांसफर, जो भी है पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा। अब इसमें बीच वाला खा ही नहीं सकता। नाउ आई टेल यू, टोल टैक्स कलेक्शन, रोड का जो टैक्स होता है टोल, उसका कलेक्शन, इसमें बहुत हेरा फेरी हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी, कितना टैक्स आया है कंपनीज को, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता था टोल, कंपनीज बताती ही नहीं थी कि कितना टैक्स आया है। अब लग गया फास्ट टैक्स सिस्टम, आपकी कार जाएगी टैक्स, टोल टैक्स के नीचे, ऊपर से वो स्कैन करेगा आपका नंबर और आपके अकाउंट से पैसा अपने आप डिडक्ट, और सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में, किसी के हाथ में पैसा जाता ही नहीं है। वो आप रोहित, जितना पैसा है सीधे रोहित अकाउंट में जाता है, गवर्नमेंट के हाथ में जाता है, गवर्नमेंट नई रोज बनाती है उससे। पहले अगर कलेक्शन 200 करोड़ आ रहा है तो प्राइवेट वाला बताता ही 20 करोड़ था, खा जाते थे बाकी सारा पैसा। अब अकाउंट टू अकाउंट जाता है, उसका सारा खाता है, मेरे अकाउंट से कितना पैसा निकला और उसके अकाउंट, गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना गया, सब कुछ थैंक्स टू नितिन गडकरी एंड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि ये इंप्लीमेंट हुआ फास्ट टैग सिस्टम। आज की डेट में आप चाहिए, पहले टोल टैक्स पे इतनी लंबी लाइन हुआ करती थी, वो मैनुअली आपको पर्ची देता था, आपसे पैसे लेता था, फिर पर्ची देता था, फिर पैसे लेता था। आज आपको पर्ची देना, पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, कार जाके आप 1 मिनट के लिए रोकिए, 1 मिनट नहीं, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में आपको पैसा डिडक्ट हो जाता है, सामने से गेट खोलेगा, आप निकल जाइए। कोई और टोल टैक्स पे जो आदमी बैठा होता है वो सिर्फ इसी चीज के लिए होता है कि पैसा डिटेक्ट हो गया, गो, दैट्स इट। उसको कोई सर, कैश नहीं लेना, कोई कैश नहीं लेना। ये सारी इनोवेशंस नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया के अंदर आई हैं। बहुत सारी इस तरह की टेक्नोलॉजी की चीजें हमें इनोवेट होती भी हर गुजरते दिन के साथ दिखाई दे रही होती है। लेकिन अगर बात करूं, अभी मैंने आपसे जो सवाल किया था करप्शन और इन सारों के रेलिवेंट, एक तरफ इंडिया की ये सारे सिनेरियोस को मान के रख लेते हैं जो आपने सब बोले, 110% सही है। दूसरी जाने में भी कुछ ही रोज पहले की बात है, अतीक अहमद मर्डर केस सामने हुआ। अतीक अहमद जैसे लोग भी उठा के इतने बरसों से कहाँ रखे हुए थे, पार्टीज के अंदर, मतलब जो लॉ ब्रेकर है उसी को लॉ मेकर बनाया हुआ था। ये भी तो इंडिया की पॉलिसी में था, ये भी तो मैम, मतलब हुक्मरान इंडिया ने ही सिलेक्ट किया था, उसी को उठा के जो है